दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। 29 मई के दिन मैं इस समय हर की पड़ी पहुंच चुका हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। 29 मई का दिन है, गंगा दशहरा का जो पर्व है आज से शुरू हो चुका है। वो बात अलग है कि कल के दिन मेन स्नान होगा, लेकिन आज दोपहर 11-12 बजे के बाद गंगा दशहरा का पर्व शुरू हो चुका है और इसी वजह से आज से ही बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी हर की पैड़ी को देख सकते हैं और देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। लगभग सभी जो हर की पैड़ी के मुख्य घाट है श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। आप कहीं भी देखेंगे हर तरफ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा दशहरा के आसपास बहुत भीड़ होगी, तो वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी घाट हैं सभी श्रद्धालुओं से भर गए हैं और लोगों को स्नान करने के लिए जगह भी नहीं बची है। आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करते जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए आप सभी को लेकर घाट पर चलते हैं और वहाँ से अच्छे से दर्शन कराएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर दर्शन कर पाएंगे। देखिए आप लोग दोस्तों, कल के दिन भी गंगा दशहरा का स्नान होगा, मुख्य स्नान होगा और कल के दिन मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में एक बहुत जल्द वीडियो आएगी। यानी 30 मई के दिन जब गंगा दशहरा चल रहा होगा तो एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वो वीडियो आएगी मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में। समय की बात करी जाए तो लगभग 5:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है और लगभग 1:45 के बाद माँ गंगे की आरती शुरू होगी। अभी से लोग बैठ भी गए हैं, देखिए इस घंटाघर घाट में तो अभी से लोगों ने पोजीशन ले ली है, बैठ गए हैं ताकि वो माँ गंगे की आरती देख सकें। और आज जब आरती होगी तो इससे भी कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाल्मीकि घाट के दृश्य। वाल्मीकि घाट में भी हर तरफ श्रद्धालु ही नज़र आ रहे हैं। मुख्य दिन होता है, मान्यता है कि आज के दिन ही माँ गंगे जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरण के जो दिन है उसे ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और इसी वजह से आज यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। गंगा जी के जितने भक्त हैं, जितने भी जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत खास है। इसी वजह से लोग आज यहाँ पहुँचते हैं और पवित्र गंगा जल में डुबकी लगाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों इस तरफ देखिए, आज तो इस पुल का रास्ता भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इस पुल में बहुत सारे लोग खड़े होकर आरती देखना चाहते हैं, तो देखिए रास्ता बंद हो गया अभी से। दोस्तों आज के दिन दर्शन करके कैसा लग रहा है आप सभी को? गंगा दशहरा के दिन आप सभी दर्शन कर रहे हैं।
दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए, शेयर करने में कंजूसी ना करें। मैं आपको ऐसे ही लगातार हरिद्वार के दर्शन कराता रहूंगा। दोस्तों देखिए सामने ब्रह्मकुंड घाट, सामने की तरफ है ब्रह्मकुंड घाट और अभी से लोग बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों आज तक तो इतनी भीड़ हमने देखी भी नहीं है कि संजय पुल में भी इतने सारे लोग बैठ चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा श्रद्धालु संजय पुल में और जो पुल की सीढ़ियां हैं जिससे उतरकर हम घाट पर पहुंचते हैं सभी बैठे हुए हैं। निकलने के लिए भी जगह नहीं बची कि पुल में चढ़ा जा सके या पुल के माध्यम से नीचे घाट पर उतरा जा सके। दर्शन करते जाइए, आप सभी वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि गंगा दशहरा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिद्वार के से माँ गंगे के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों ये थी गंगा दशहरा के वीडियो, उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कल के दिन जब मुख्य स्नान होगा तो कोशिश रहेगी आपको लाइव दर्शन कराएं, और अगर लाइव नेटवर्क नहीं सही आ पाया तो हम एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो कल के दिन सुबह सुबह आप सभी हमारे साथ जुड़ना, मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में एक वीडियो आएगी। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।